हाय फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने पिछले साल फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन इंसर्ट करा था। जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, गवर्नमेंट ने ये कहा आपको आधार ऑथेंटिकेशन करानी पड़ेगी। फिर इसके बाद आई कुछ नोटिफिकेशंस। अभी रिसेंटली नोटिफिकेशंस आई हैं जो आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करती है। मैंने इस वीडियो में ये सारी नोटिफिकेशंस डिस्कस करी हैं। क्या क्या कहती है नोटिफिकेशंस? पहली बात ये कहती हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन कब से एप्लीकेबल होने वाला है, दूसरा किन लोगों को आधार ऑथेंटिकेट कराना है, और तीसरा कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराओगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, ये है हमारा सर्कुलर नंबर 137 जो कि आया है 13 अप्रैल 2020 को। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है सर्टेन चैलेंजेस के लिए जो कि फेस कर रहे हैं हमारे रजिस्टर्ड पर्संस कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसके कारण। यहाँ पर गवर्नमेंट ने 6 इश्यूज के ऊपर क्लैरिफिकेशन दी है। इन सारे इश्यूज को मैंने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर आपके लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है। देखते हैं एक एक इशू को। हमारी सिचुएशन नंबर वन, केस नंबर वन, इसके अंदर सर्विसेज जो है उनका सप्लाई हुआ है। इस सप्लाई के अगेंस्ट मुझे कुछ एडवांस मिला है, मतलब कि सर्विसेज जो है अभी परफॉर्म नहीं हुई है। अब मैंने ये जो एडवांस मिला इसके अगेंस्ट मैंने एक इनवॉइस जो है उसे इश्यू कर दिया, और वो इनवॉइस सप्लाई ऑफ सर्विस जो है उसे देने से पहले इशू हुआ है। अब मैंने इस इनवॉइस के अगेंस्ट जो जीएसटी है उसे भी पे कर दिया, पर हुआ क्या, बीच में सप्लाई ऑफ सर्विस होने से पहले ही मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। समझते हैं इसे एक एग्जांपल से। ये मेरा एग्जांपल है। इसके अंदर यहाँ पर मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने सर्विसेज दी मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई ने, एक्स ने यहाँ पर एक इनवॉइस जो है वो इशू करा। इस इनवॉइस में उन्होंने लिखा मेरी टैक्सेबल वैल्यू 1000 रुपये और जीएसटी जो है 180 रुपये। तो वाई ने इन्हें पेमेंट कर दी 1180 की। अब 1000 रुपये जो होते हैं वो एक्स अपने पास रखते हैं और 180 रुपये वो गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। अब बीच में सप्लाई जो है वो हुआ नहीं। मान लीजिए ये इनवॉइस जो है ये इशू हुआ है इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब यहाँ पर जब मार्च आया सप्लाई हुआ नहीं है, तो मार्च में जाके कैंसिलेशन हुई कॉन्ट्रैक्ट की। उन्होंने बोला हमें ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है। तो अब एक्स को क्या करना पड़ेगा? एक्स को, वाई को ये जो 1180 रुपये लिए हैं ये वाई को वापस करने पड़ेंगे। एक्स ने वाई को ये वापस कर दिए पैसे। पर अब यहाँ पर 180 रुपये एक्स ने जो वाई से लिए थे वो ये गवर्नमेंट को दे चुका है। तो अब एक्स ये पूछ रहा है कि ये जो मैंने आपको 180 रुपये दिए हैं इसका मैं क्या करूँ? तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर तुम्हारे पास आगे जाके फ्यूचर में कोई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो तुम उसका एक क्रेडिट नोट बना लो और तुम उसे रिड्यूस कर देना अपने अगले मंथ में, जो तुम मुझे पैसे दोगे उसकी लाइबिलिटी में से रिड्यूस कर लेना। और अगर तुम्हारा कोई भी आगे जाके लाइबिलिटी नहीं बनती है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मुझे गवर्नमेंट को कोई फ्यूचर में पेमेंट नहीं करनी है, तो तुम अपने इस 180 रुपये के लिए रिफंड जो है उसके लिए अप्लाई कर लो। नेक्स्ट सिचुएशन आती है, नेक्स्ट केस एक बनता है, मेरा जो सप्लायर है उसने सर्विसेज दे दी, ठीक है, बात आती है समझ। उस सर्विसेज के अगेंस्ट उसे एडवांस मिला, ये बात भी आती है समझ। पर अब इस केस में उसने इनवॉइस जो है वो इशू नहीं करा है, उसने एक रिसीट वाउचर इशू करा है। अगर रिसीट वाउचर इशू होगा और फिर उसने इस रिसीट वाउचर के अगेंस्ट फिर से जीएसटी पे कर दिया, अब यहाँ पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिर से कैंसिल हो गया और मेरा जो सप्लाई है वो अभी हुआ नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करने को कहती है? गवर्नमेंट जो है वो ये बोलती है कि एक्स, अगर तुमने यहाँ पर सर्विसेज जो है वो दे दी है, अब यहाँ पर तुमने इशू करा है एक रिसीट वाउचर, तुमने कोई इनवॉइस इशू नहीं करा है, तुमने रिसीट वाउचर इशू करा है जिसके अगेंस्ट तुमने टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को कर दी है, तो सेम केस गवर्नमेंट यहाँ पर बोलेगी कि अगर तुम्हारा कोई आउटपुट टैक्स आगे आने वाले महीनों में बनता है, तुम्हें मुझे कुछ पेमेंट करनी है, तो तुम एक रिफंड वाउचर इशू करो और अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसे रिड्यूस करके एडजस्ट कर दो। और अगर तुम्हारी कोई भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है तो फिर तुम रिफंड के लिए मेरे पास अप्लाई कर दो। यही बात हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे वो ये बोलते हैं कि अगर सप्लायर जो है उसकी कोई आउटपुट लाइबिलिटी है
सप्लायर की अगर आउटपुट लाइबिलिटी है तो वो क्या करे, वो एक रिफंड वाउचर जो है उसे इशू करे, और अगर सप्लायर जो है उसकी कोई भी आउटपुट लाइबिलिटी नहीं है तो फिर वो एक रिफंड क्लेम जो है उसे फाइल कर दे फॉर एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। फिर चलते हैं हम अपने अगले केस पे। अगले वाला केस जो है वो मेरा जो फर्स्ट केस है उससे बिल्कुल सिमिलर है। कैसे, यहाँ पर मेरे गुड्स जो हैं वो सप्लाई हो गए हैं, मैंने अपना टैक्स इनवॉइस जो है वो इशू कर दिया है, पर अब जो मेरे गुड्स हैं वो रिटर्न हो गए हैं, मेरा जो रिसिपिएंट है उसने गुड्स को रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट जो है वो दो चीज़ें बोलेंगी, ये मेरे कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है बिल्कुल उसकी तरह ही बन रहे हैं ये केस। यहाँ पर मेरी सर्विसेज थी, इस वाले केस में जो थर्ड केस होगा इसमें मेरे गुड्स हो जाएंगे, सिंपल सी चीज़। यहाँ पर वो बोलता है एक्स ने गुड्स दिए वाई को और फिर इसके अगेंस्ट जो एक्स था इसने वाई को इशू करा एक इनवॉइस और इसने 1,000 रुपये अपने पास रखे, 180 रुपये की गवर्नमेंट को पेमेंट कर दी। अब जब मेरे गुड्स रिटर्न हो गए सारे के सारे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरी फ्यूचर में आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है तो गवर्नमेंट कहेगी कि तुम अपना ये जो 180 रुपये है इसके लिए तुम्हें क्रेडिट नोट इशू कर देना और तुम अपनी जो लाइबिलिटीज हैं फ्यूचर की उसे उसमें से रिड्यूस कर देना, और अगर तुम्हारी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है तो फिर तुम ये जो एक्सेस टैक्स है इसे पे कर देना। ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, गवर्नमेंट ने यही बात लिखी है कि अगर सप्लायर जो है उसकी आउटपुट लाइबिलिटी है तो फिर तो वो क्रेडिट नोट इशू कर दे और वो अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी आगे जाके उसे अगर मुझे कोई पेमेंट करनी है तो उसमें से रिड्यूस कर ले, कोई भी सेपरेट रिफंड क्लेम वो फाइल ना करे। पर अगर सप्लायर जो है उसकी कोई भी आउटपुट लाइबिलिटी नहीं है, उसे गवर्नमेंट को कोई पैसा देना ही नहीं है फ्यूचर में, तो गवर्नमेंट कहती है कि तुम अपने इस एक्सेस पेमेंट के लिए एक रिफंड जो है उसे फाइल कर लो। ये बात भी आती है समझ। अब नेक्स्ट इशू आता है, जो हमारा फोर्थ इशू है वो होता है एलयूटी के लिए। समझेंगे इसे बहुत ध्यान से, एलयूटी के लिए गवर्नमेंट क्या बात कर रही है। अब होता क्या है, पहले आप लॉ को एक बार समझिए कि मान लीजिए हर साल, पहले मुझे हर साल के लिए एक सेपरेट एलयूटी फाइल करनी होती है, मतलब कि 2020-21 के लिए मेरी एक अलग एलयूटी आएगी और मेरी यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए एक अलग एलयूटी आई होगी। हर फाइनेंशियल ईयर के लिए एक आपकी सेपरेट एलयूटी बनती है, तो मेरी अब यहाँ पर मुझे 2021 के लिए भी एक नई एलयूटी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने पहले प्रोविजंस में वो ये बोलती थी कि तुम नई एलयूटी के लिए अप्लाई कर लो 31 मार्च नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होने वाला है उसके लिए। तो मुझे यहाँ पर एलयूटी के लिए अप्लाई करना था 31 मार्च 2020 तक, पर कोविड-19 की सिचुएशन आ गई तो मैं यहाँ पर अप्लाई जो है वो नहीं कर पाई, तो गवर्नमेंट ने इसी चीज़ के लिए एक्सटेंशन दी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर के लिए एलयूटी 2020-21 के लिए फाइल नहीं कर पाए हो 31 मार्च तक, तो आप उसे फाइल कर सकते हो 30 जून 2020 तक। अब ये जो मेरा पीरियड है 30 जून 2020 तक मैं अप्लाई कर दूं, अब मैंने यहाँ पर 30 जून को अप्लाई करी, तो जो मेरा पीरियड है 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, यहाँ पर मैं कौन से एलयूटी का नंबर दूँ, क्वेश्चन ये आता है। तो गवर्नमेंट जो है वो ये बोलेगी कि आप सप्लाई कर दो पेमेंट ऑफ टैक्स के बिना अंडर एलयूटी, और उस एलयूटी में आप जो पुरानी एलयूटी है फाइनेंशियल ईयर 19-20 की उसकी रेफरेंस दे दो। तो यहाँ पर ये जो 3 महीने होंगे यहाँ पर मैं अपनी पुरानी एलयूटी जो है 19-20 की, 2019-20 की उसकी रेफरेंस जो है दे के सप्लाई जो है वो कर दूंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी, लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही थी ड्यू डेट ऑफ टीडीएस पर। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने ये बोला कि मान लीजिए मैंने कुछ टीडीएस जो है वो कलेक्ट कर लिया है, तो लोग जो थे वो बड़े कंफ्यूज थे कि मुझे अपनी जीएसटीआर जो 7 है उसे कब तक पे करना है, उसे कब तक भरना है, डिपॉजिट कब तक करना है। तो गवर्नमेंट ने सीधी सी बात बोली, उन्होंने कहा कि अगर आपकी ड्यू डेट फॉल करती है 20 मार्च से लेके 29-6 जून तक, तो उसे हमने एक्सटेंड कर दिया है 30 जून 2020 तक, तो आप
जो भी फाइलिंग है इस पीरियड के बीच में उसे 30 जून तक पूरा कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली जो मेरी GSTR 7 है उसे मैं 30 जून तक भर सकती हूँ। अब यहाँ पर लोग दूसरी चीज ये भी पूछते हैं कि अब मैंने अगर लेट पेमेंट करी तो क्या मेरे पे इंटरेस्ट भी लगेगा? तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, अगर आपने TDS की लेट पेमेंट भी करी है तो हम इसे COVID-19 की सिचुएशन देखते हुए इंटरेस्ट जो है आपसे चार्ज नहीं करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट बात जो हुई है वो हुई है रिफंड एप्लीकेशन के लिए। अब इस केस को हम ध्यान से समझेंगे। जो प्रोविजन होता है वो ये कहता है कि आपकी जो भी रेलेवेंट डेट है, यहाँ पर आपकी रेलेवेंट डेट है, इसके 2 साल के अंदर अंदर आपको इस रेलेवेंट डेट से रिफंड एप्लीकेशन भरनी होगी। तो अब मान लीजिए मेरी जो रेलेवेंट डेट है वो है 31 मार्च 2018। तो अब इसके 2 साल पूरे हो गए 31 मार्च 2020 को, तो मुझे यहाँ पर रिफंड एप्लीकेशन जो है वो भर देनी चाहिए थी, पर मैंने COVID-19 की सिचुएशन के चक्कर में मैं इसका रिफंड जो है वो फाइल नहीं कर पाई। तो क्या गवर्नमेंट ने ये डेट भी बढ़ाई है? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने ये डेट भी बढ़ाई है। गवर्नमेंट जो है वो ये बोलेगी कि आपकी एज पर नोटिफिकेशन जो 35/2020 आई है उसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि अगर आपकी कोई भी डेट जो है वो फॉल कर रही है 20 मार्च से लेके 29/6 के बीच में, तो इसकी डेट जो है ये एक्सटेंड कर दी गई है 30 जून 2020 तक। तो अगर आपकी रिफंड एप्लीकेशन जो है वो एक्सपायर हो रही है इस पीरियड में 20 मार्च से लेके 29/6 तक, तो आप उसका रिफंड जो है वो फाइल कर सकते हैं 30 जून 2020 तक। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कुछ क्लैरिफिकेशंस जो कि गवर्नमेंट ने दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करिएगा और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको फ्यूचर सिमिलर अपडेट्स मिल सकें।